देश में लोकसभा चुनाव के बीच शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस काफी वोलेटाइल देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब शेयर मार्केट में चुनाव के दौरान मार्केट का परफॉर्मेंस इफेक्टेड है। इससे पहले भी साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शेयर मार्केट ने काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। वैसे तो शेयर मार्केट में ज्यादातर उतार चढ़ाव के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। अगर इतिहास को देखें तो 2004 में बीजेपी की जीत एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जब उनकी हार हुई तो मार्केट का रिएक्शन काफी अलग था और सेंसेक्स उस दिन लगभग 15.5% तक गिर गया था। वहीं 2014 में एक स्टेबल गवर्नमेंट की जीत होने के कारण सेंसेक्स लगभग 4% तक चढ़ गया था। कुछ ऐसे ही 2024 के इलेक्शंस को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार मेजोरिटी हासिल करने में नाकामयाब रही तो मार्केट 25% तक गिर सकती है। मार्केट एक्सपर्ट के अलावा पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी शेयर मार्केट पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी और अमित शाह के मुताबिक 4 जून के बाद मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं से पहले पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने पीएसयू स्टॉक्स पर बुलिश रहने को कहा था, जिसके बाद रेल, इंफ्रा और दूसरे कई पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। शेयर मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच आप किन सेक्टर्स में निवेश करने का सोच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।